वेल गाइस, आज मैं आया हूँ आपके तपोवन आश्रम के नजदीक। माता चंद्रानी देवी के दर्शन करने थे और बहुत अच्छा मेरे को मौका मिला था। मैंने सोचा इस अवसर का क्यों ना फायदा उठाया जाए, और क्योंकि यहाँ पे एक ऐतिहासिक जगह है जो मैंने आपको दिखाना चाहता था, जहाँ पे आपने कई बार सुना होगा कि एंग्लो और नेपालीज का वॉर हुआ कहाँ था। तो मैं चाहता था कि वो वीडियो मैं आज शूट करूँ, क्योंकि काफ़ी एडवेंचरस जगह है और जो लोग ट्रैकिंग वगैरह को पसंद करते हैं तो वो लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी ऐतिहासिक जगह है और आप देखते हो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि कैसे आपका एंग्लो और नेपालीज का वॉर हुआ था, और जैसे आपके तो गोरखा थे, एक आपकी खुरकी के दम पे, कुकरी जिसे बोलते हैं, उसके दम पे इन्होंने यहाँ पे युद्ध लड़ा था। और आप देख सकते हो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, और जो लोग ट्रैक को पसंद करते हैं और ऐसी ऐतिहासिक जगह को जो देखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा उनको। और आप फ्यूचर में जब भी आप यहाँ आना चाहो तो अपने साथ एक पानी की बॉटल जरूर लेके आना और स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह पहन के आइएगा, क्योंकि काफ़ी पथरीली ज़मीन है, थोड़ी हाइट है तो थोड़ी ऑक्सीजन की कमी पड़ सकती है आपको। अदरवाइज़ बहुत अच्छी जगह है, हमेशा चिल नेचर रहता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं आसपास कितना अच्छा वातावरण है आपका, काफ़ी आपको छोटे मोटे जानवर भी मिलेंगे। शेर वेर तो खैर अभी नहीं है, बट कभी कभी आ जाते हैं, अब वो आपकी किस्मत है। आप देख सकते हैं अब हमारा स्टार्ट हो गया है, काफ़ी चढ़ाई है और वीरभद्र खलंगा के नाम से जाना जाता है। पुरातत्व विभाग जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसने इसका निर्माण कराया था, और यहीं पे आपकी जो बहादुर गोरखा थे और आपकी जो ब्रिटिश आर्मी थी उनका यहाँ पे युद्ध हुआ था। और जो गोरखा की खुकरी होती है, उस खुकरी का दम उन्होंने उनको काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया था, और उस युद्ध में आपके जो गोरखा थे वो विजय हुए थे। और उस समय जो आपका मॉडर्न टेक्निक शुरू हो गई थी, आपके काफ़ी वेपन्स थे, आपकी तोहफे वगैरह भी आपके ब्रिटिशर्स के पास थी, और वेल इक्विपमेंट्स जो आपके थे ब्रिटिशर्स के पास थे। और उस समय उन्होंने जो आपका 1857 का वॉर हुआ था उस समय भी यूज़ हुआ था, और लेकिन ये उससे पहले की घटना है, 1814 की घटना है, जिस समय आपके जो गोरखा थे तो वो लोग यहाँ पे बसे हुए थे और अंग्रेज़ों ने उनको हटाने के लिए कई तरह के आपका प्रयत्न किया था, उनका रास्ते भी पानी बंद कर दिया था, और आपका जो जल निकासी की जो चीज़ थी जहाँ से लोग पानी भरते थे, आप देखोगे नीचे एक धारा है उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है इस इतिहास में, और ना चाहते हुए भी वो हर वो काम उन्होंने किया था जो मानवता के खिलाफ था, बट जो एक बहादुरी का जो एक जोश होता है वो गोरखाओं का, उसको दबा नहीं पाए, और खुकरी का कदम उन्होंने देखा। और शायद वही दौर एक ऐसा था कि आज भी जो आपके गोरखा हैं वो आपके ब्रिटिशर्स आर्मी में रहते हैं। ये आप स्लोप्स देख सकते हैं, उस समय जो अंग्रेज थे वो लोग इधर से ही आने की कोशिश करते थे, तो जो हमारी गोरखा महिलाएं थी वो बड़े बड़े पत्थर, तावे, जो दराती होती है जिससे लकड़ी वगैरह काटने के लिए यूज़ किया जाता था उस समय, तो वो लोग उन लोगों ने भी मिलके, साथ में बच्चों ने भी मिलके अंग्रेज़ों का सामना किया, और करीबन 2 से 4 महीने अंग्रेज पूरी कोशिश करते रहे कि किस तरह से इस एरिया को जीता जाए, बट वो इसमें इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। तो आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में जो हमारी बहादुर महिलाएं थी, गोरखा महिलाएं, अंग्रेज जो वेल इक्विपमेंट्स लेके आए थे, इवन तोहफे भी लेके आए थे, वो वहाँ से प्रहार कर रहे थे, लेकिन सिर्फ अपना जो एक आत्मबल होता है उसके बदौलत उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था। आप देख सकते हैं आसपास पूरे ये आपके साल के वृक्ष हैं, और यहाँ पे कई तरह की बर्ड्स भी मिलती हैं। हमेशा आप जब भी आएंगे, खास करके आप मॉर्निंग के समय में, तो एक अजीब सा संगीत सुनाई देता है यहाँ पे, जो ऐसा लगता है कि बस ये जो आपका प्राकृतिक सौंदर्य है और प्राकृतिक जो आपका संगीत चल रहा है उसमें आप डूब जाओ। आप ये देख सकते हैं अभी थोड़ा ये रास्ता ख़राब भी हो गया है क्योंकि बरसात का मौसम है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, आपका जो पुरातत्व विभाग है उसके कंट्रोल में है। आप जब भी आएँ साथ में एक पानी की बॉटल जरूर लेके आइएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से करीबन 500 मीटर की दूरी पर आपका वो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हमारे गोरखा सैनिकों ने अंग्रेजों का सामना किया था।
लेकिन एक चीज और इंटरेस्टिंग है, ये जो आपका एरिया है यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा खाई है, तो इन्होंने यहाँ से भी कोशिश की थी कि किस तरह से इस घेराबंदी को तोड़ा जाए। आप देख सकते हैं आज भी यहाँ पे किसी चीज का नामो निशान है, एकदम खाई है और खाली आपके पशु पक्षी वगैरह ही दिखेंगे आपको, और काफी डेप्थ था। आप सोच सकते हैं आपके इतने दिनों तक इन्होंने पूरा राशन पानी यहाँ का बंद कर दिया था, और किस फिर भी इन्होंने ये अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। और बस थोड़ी सी दूरी और है, मैं आपको लेके चलता हूँ, और बस फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिस क्षण का मुझे भी इंतजार है और आपको भी इंतजार है। यह है आपका बलभद्र खलंगा स्मारक, जो आपका 1814 में जो युद्ध लड़ा गया था आपका एंग्लो नेपाली वॉर्स। और आप एक चीज और दिखाना चाहता हूँ मैं, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये देखिए आपको पूरा देहरादून दिखता है, और आप सोचिए कितनी हाइट पे है ये, और आपकी प्राकृतिक सुंदरता तो यहाँ पे है ही आपकी, खासतौर पर एक ऐतिहासिक स्थल भी है, तो जो लोग आपका ऐतिहासिक स्थल को देखना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो लोग इनमें ना इंटरेस्ट रखते हो और खाली आपका घूमने के पर्पज से है तो ये जगह उनके लिए भी बहुत ही अच्छी है। और नेचुरल ब्यूटी तो यहाँ पर है ही, आप देख सकते हैं चारों तरफ आपके काफी ग्रीनरी है, और यहाँ से आप देख सकते हैं एकदम खड़ी चढ़ाई है, और आप जब भी आएंगे तो काफी मतलब कोई सांस भी फूलेगी, बट अप्रॉक्स करीबन 1.5 किलोमीटर की जब आप चढ़ाई चढ़ लोगे, और अगर ऐसा स्थान आपको देखने को मिलेगा तो ये चढ़ाई इसके आगे कुछ भी नहीं है। और मैं आप सभी से लोगों से बोलना चाहूँगा कि ये जो एक योद्धाओं की भूमि है, हमारे भी गोरखाओं की भूमि है, यहाँ आपको आना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि उस समय कैसी परिस्थितियाँ थी, उसके बावजूद अंग्रेजों से उन्होंने घुटने नहीं टेके थे। और आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा देहरादून यहाँ से दिखता है, थोड़े पेड़ पौधे आ रहे हैं यहाँ पे, और ये है आपका बलभद्र खलंगा स्मारक 1814 नाला पानी देहरादून उत्तराखंड। और यहाँ पे थोड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आ गए हैं, और इस चीज को मैं दिखाना चाहता था, पूरा एरिया आपका इस स्मारक का आता है, और आप देख सकते हैं यही है मेन एरिया जहाँ पे आपके हथियार वगैरह भी रखे थे, और इस समय जो आपको पुरातत्व विभाग है जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है तो उन्होंने इसको पूरा मेंटेनेंस का कार्य करता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी स्टोरी जो है, मतलब जिन लोगों को थोड़ा इसके बारे में जो नॉलेज चाहिए होती है वो पूरा दे रखा है। जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि अक्टूबर 1847 में जो आपकी ब्रिटिश इन्फेंट्री थी उन्होंने वॉर कर दिया था जो हमारे गोरखा थे, बट गोरखाओं ने उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था, इवन आपके छोटे छोटे बच्चों ने भी बहादुरी से लड़ा था, और जो खुकरी का दम होता है वो गोरखाओं ने आपके अंग्रेजों को दिखाया था। और उस समय जो आपके ब्रिटिशर्स थे, जो आपके समय वॉइस रॉय वगैरह थे, उन्होंने भी आपके गोरखाओं का लोहा माना था।